हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज का जो हमारा व्लॉग है वो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। हम जा रहे हैं मैक्रो, और मैक्रो जाके हम लोग लेंगे बन, बर्गर बन, क्योंकि आज का हमारा जो व्लॉग है वो है चपली बर्गर। और आज हम चपली बर्गर बनाएंगे क्योंकि नेथन के वो बहुत ही फेवरेट हैं। और नेथन साहब जा रहे हैं बन लेने। नेथन हाय। नेथन का मूसरा आज थोड़ा सा नेथन का मूड ठीक नहीं है क्योंकि ये सोया हुआ बन। अच्छा जी, हम अब बन देखते हैं, बन काम पे हैं। इस हमें वो तो मिले नहीं यहाँ पे बन, वो अभी हमें मिक्सी जाना पड़ेगा। नेथन की गाइस शॉपिंग हो रही है, हमें बर्गर बन तो यहाँ से मिलेगा ही नहीं है, वो हम मिक्सी से लेंगे। और अभी बस अब नेथन का दूध पकड़ के तो जा रहे हैं मिक्सी, फिर वहाँ से घर, फिर जाके आपको चपली बर्गर का हम पूरा व्लॉग शेयर करें। गाइस, नेथन के पैम्पर्स ले लिए हैं बाबा ने। चलो जी, अब नेक्स्ट अब बस इसका दूध लेना है और फिर हम मिक्सी। अभी हम आ गए हैं नेथन के दूध वाले काउंटर में। अभी हम इसका ले लिया है दूध का पैकेट और डन। अब बस जाएंगे बिक्सी, और बिक्सी से लेंगे बर्गर बन, और फिर घर जाके आपको पूरा व्लॉग शेयर करेंगे हम चपली बर्गर। नेथन मेरा सुपरमैन बना हुआ है। नेथन, नेथन हाय, हाउ आर यू, व्हाट चाहिए, क्या चाहिए आपको? ये है सिर्फ नेथन की शॉपिंग। गाइस, बिलशिल तो हो गया, बिल चेक भी हो गया। अब हम जा रहे हैं मैक्रो से बाहर, और अब जाएंगे बिक्सी, वहां जाके लेंगे हम बर्गर बन, और देन बैक टू होम। चलो जी, वो है सामने बिक्सी, अब हम वहां जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हम आ गए हैं मिक्सी, और फटाफट से उठाते हैं, फटाफट से उठाते हैं बर्गर बंस और फिर जाते हैं घर। चलो जी गाइस, इधर से हमें मिल गए हैं बर्गर बंस। चलो अब चलते हैं घर। ओके गाइस, अभी हम जा रहे हैं वापस, बिल फिल हो गया है। ओके बाय बाय। ओके गाइस, अभी हम जा रहे हैं घर, अब बाकी का लोग जाके हम बनाएंगे घर में। ओके नेथन से बाय। नेथन से बाय। नेथन आज बहुत ज्यादा थक गया है क्योंकि हम लोग चर्च से वापस आ रहे हैं। नेथन नेथन खेड़ा में बहुत थक गया। ओके गाइस, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में जो कि होगा घर में। ओके बाय जी गाइस, सामान वान रख। गाइस, हम आ गए हैं घर, और आज देखिए हम आज मैचिंग की हुई थी, हमने पूरी फैमिली ने मैचिंग की हुई थी। बाबा आप भी आए, आज हमारी पूरी फैमिली की मैचिंग थी। हम लोग चर्च से अभी आए हैं, फिर वहाँ से हम मैक्रो गए, बिक्सी गए, और अभी हम घर आ गए। हम अब फटाफट से चेंज करते हैं और फिर हम अपने बर्गर की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। ओके फिर खाते हैं क्योंकि नेथन का वो बहुत पसंद है ना नेथन? नेथन को यम्मी लगता है ना? हाँ। नेथन को बहुत यम्मी लगता है। अब मैं फटाफट चेंज करती हूँ और फिर नेथन के बर्गर की मेकिंग स्टार्ट करती हूँ, और फिर मिलते हैं अब चेंज करके। ओके बाय बाय जी गाइस, वी आर बैक। अभी मैंने जो है कीमे में हाफ ऑनियन मैंने ये चॉपर का डाला है, ठीक है, और हाफ ऑनियन मैंने ये मिक्सी में डाला है, उसके अंदर 3 मैंने वो डाली है चिली, ग्रीन चिली, और मैंने हाफ स्पून डाला है जीरे का, और हाफ स्पून ही मैंने डाला है ये साबुत जो धनिया है ना, सूखा धनिया इसका। और अब मैं इसको है मिक्सी में ग्राइंड करके फिर ये सारा मटेरियल मैं डाल दूंगी कीमे में, और फिर स्पाइसेस ऐड करूंगी, देन फिर मैं इसकी जो है वो फ्राई करूंगी, और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ
कि फिर हम फ्राई करेंगे और फिर हम इसके बर्गर मेकिंग करेंगे। ओके गाइस, मैंने इसमें सारे स्पाइस ऐड कर लिए हैं। इसमें डालना है जो आपके रूटीन के स्पाइस जो आपके घर में है, आपने वही डालना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे नमक मिर्च और जो दादरी मिर्च होती है वो, और सूखा धनिया, वो मैंने डाला है। और क्योंकि बच्चे के लिए बना रहे हैं ना, तो फिर इसलिए फिर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता कि बच्चे इतने ज़्यादा स्पाइसी तो खाते नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, जीरा वगैरह मैंने ग्राइंड करके इसलिए डाला है क्योंकि फिर मुँह में आता है। हमें तो बड़ों के लिए ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो फिर उनके मुँह में आएगा तो फिर वो फिर नहीं पसंद करेंगे। इसलिए नेथन के लिए मैं हर चीज़ बहुत ही वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके प्रिपेयर करती हूँ कि वो जो खुश हो के वो खा ले। ओके गाइस, अभी मैं इसकी थोड़ी मिक्सिंग करती हूँ, देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर हम इसको फ्राई करेंगे मिलके, और फिर हम इसके फाइनल इसकी मेकिंग करेंगे और फिर हम इंजॉय करेंगे। ओके देखिए गाइस, अभी मिक्सचर इसका रेडी हो गया है और मैंने पैन भी जो है वो मैंने कर दिया है हीट करने के लिए ऑयल को, और ऑयल जैसे ही मेरा हो जाता है देन फिर हम इसकी स्टार्ट कर देंगे कबाब बनाना। चले गाइस, हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको डायरेक्ट ही ना, जैसे लाहौर में जो स्पेशल शेफ होते हैं ना, वो आपने देखा होगा कि वो डायरेक्ट ही ना वो ऐसे लेते हैं कि मेरे को, और वैसे पैन के ऊपर रखते हैं, ठीक है, और पैन के ऊपर ही उसमें ना वो कबाब को सेट करते हैं। मैं भी थोड़ी थोड़ी स्पेशल शेफ परम करती हूँ उसके ऊपर बजाय कि आप उसको करो, इसमें तो बर्गर के अंदर ही लगना होता है। ऐसे किया देखिए जरा कितना सुंदर बन गया है। कैसा आप लोग भी जरा मेरे से मेरे से यूज करें। अब मैं चटनी भी ऐसे ही करूँगी, मैं देखूँगा ऊपर ही डाला और पैन के ऊपर ऐसे आप लोग कल। ये इतना यम्मी बनता है बर्गर, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, कि जैसे नो वन जज के आपने घर में बनाया, ठीक है। अब मेरी जाती एक दफा ट्राई करके देखिएगा, बट आपने भी कहना जो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने थोड़ा स्लो कर दिया लेकिन क्योंकि और ज़्यादा गर्म हो गया था। गाइस देखिए, मेरी सारी चपली पैटीज रेडी हो गई हैं, और ये है बन, केचप, मायोनेज, चीज। अभी मैं इसकी मेकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ, और साथ में आप देखें और इंजॉय करें, और आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने लिए अपने बच्चों के लिए बनाएं, और आप देखेंगे ये कितने मज़े के बनते हैं और आपके बच्चे ज़रूर लाइक करेंगे। चलें गाइस, अब हम बन के इस हिस्से पे लगाएंगे मायोनेज। मायोनेज लें, अगर आपके बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं तब ज़्यादा लगाएं, अगर बस ठीक है ऐसे ओके ओके वाला लाइक करते हैं तो फिर आप उस हिसाब से लगाएं। मेरा बेटा तो मायोनेज पसंद करता है तो मैं उस हिसाब से लगाऊंगी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर रखूंगी ये चपली पैटीज, ये मैंने यहाँ पे रख दी दो। ओके, अब हम लगाएंगे इसके ऊपर चीज़, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्दी होती है, तो हमेशा वो चीज़ें प्रेफर किया करें कि जो आपके बच्चे जो हैं वो इंजॉय के खा लें। चलें जी, केचप मैं इतनी ज़्यादा उसको देती नहीं हूँ, बस ऐसे टेस्ट के लिए, तो वो आप ब्रेड के जो है दूसरी साइड पे आप ऐसे केचप को स्प्रेड कर दें, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे सारा ऐसे कर स्प्रेड कर दूँगी पूरे उस पर स्लाइस पे। चलें जी, ये हमारा यम्मी सा चपली बर्गर रेडी हो गया है, ठीक है। अभी हम नेथन को बुलाते हैं और उसको टेस्ट करवाते हैं। हेलो नेथन,
कैसे हो आप? ओके ओके ओके, आप ठीक हो? अच्छा जी, मामा ने आपके लिए रेडी किया है बर्गर। आप खुश हो? आपको आप पसंद करते हो ना बर्गर को? ओके चले, आपने एयरपोर्ट्स पकड़े हुए हैं। अच्छा चले, अब जल्दी से बाइट लो, बर्गर की बाइट लो। यमी, गुड बॉय। ओके गाइस, अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करें। ओके बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके नेथन, वगैरह न्यू व्लॉग में मिलते हैं। ओके गाइस, सी यू लेटर।